गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो 90% चांस बनते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, और अगर हाँ तो वीडियो को पूरा देखे बहुत नॉलेज मिलेगा, और अगर नहीं है आप प्रेग्नेंट तो भी इस वीडियो को पूरा देखे क्योंकि नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो उसे बटोर लेना चाहिए, उसे ले लेना चाहिए। तो चलिए बिना किसी बकवास कर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ना एक बात बताना चाहूंगी, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कोई लड़की जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसे कई सारी उम्मीदें बन जाती है, कहीं ना कहीं उसे उम्मीद के साथ कुछ टेंशन्स भी रहती है, कहीं ना कहीं उसे चिंता रहती है मन में। खुद वो चिंता खुद की नहीं होती है कि वो कैसी है, उसे सबसे ज्यादा चिंता होती है अपने पेट में पल रहे बच्चे की। वैसे तो मार्केट में प्रेगनेंसी से जुड़ी कई सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और बुक्स के अलावा हमारी दादी माँ, नानी माँ और जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी भी एडवाइस काफी काम कर जाती है। लेकिन ये बात भी 100% सच है कि ये बातें सब पर लागू नहीं होती, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर दो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और दोनों के लक्षण सेम हैं तो उनकी जो हेल्थ है, उनके जो हालात है वो भी सेम हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। अगर आप एक हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी और सेफ प्रेगनेंसी चाहती हैं तो मेरे इस वीडियो में बताए गए 7 बातों का ध्यान जरूर रखें। वो 7 बातें कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको फल ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन इसके अलावा वो ध्यान रखना है आपको कि जो फल आप खा रहे हैं वो धुले हुए हो अच्छी तरह से, अगर क्योंकि अगर वो धुले हुए नहीं होंगे तो आपके बच्चे पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, उसको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो फल खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से जरूर धो लें। फिर सेकंड है फॉलिक एसिड, मतलब आयरन और कैल्शियम की टैबलेट आपको जरूर से जरूर लेना है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि कभी कभी किसी किसी महिला को, किसी किसी लड़की को प्रॉब्लम आ जाती है, उसे वॉमिटिंग होती है, उसे सूट नहीं करती, तो ऐसे में आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेने की, आपको किस तरीके से आपको डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कि आपको किस तरीके से वो टैबलेट लेनी है, लेकिन हाँ आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइस थर्ड पॉइंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अंडा, चिकन, मछली ये सब कितना फायदा करता है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम वो खा तो सकते हैं लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से पका हुआ हो, अगर वो अच्छी तरह से पका हो तो ही खाना है, कच्चा भोजन नहीं। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, आपको प्रेगनेंसी में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको प्रोटीन लेना है, ये प्रोटीन आपको दाल से मिल सकता है, बीन से मिल सकता है और आपको दूध से मिल सकता है, तो अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा दाल, बीज और दूध का यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको प्रेगनेंसी में खाने पीने का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको आपकी वैक्सीनेशन का भी ध्यान रखना है, आपको टाइम से वैक्सीनेशन जरूर लेना है, और अगर आप बाय चांस किसी कारण से अगर आप लेट हो जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको एडवाइस देंगे, तब आप वैक्सीनेशन जरूर करवा सकती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको प्रेगनेंसी में जंक फूड टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा मात्रा में फैट होता है और फैट के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, जो कि आपको तो नुकसान करेगा ही, साथ में आपके पेट में पल रहे बच्चे पर भी थोड़ा सा बुरा असर डाल सकता है। तो लास्ट और सबसे इफेक्टिव, सबसे कॉमन पॉइंट है कि आपको एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स लेना है, क्योंकि भरपूर मात्रा में पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स लेने से आपके जो बच्चा है जो पेट में पल रहा है उसका अच्छी तरह से विकास होता है, अच्छी तरह से वो बच्चा डेवलप होता है। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जिन्हें हम नॉर्मली ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर हम इग्नोर ना करके हम इन पर ध्यान दें तो हमारी जो प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी है वो हैप्पी प्रेगनेंसी बन सकती है, प्लस आपका जो बच्चा है जो आपके पेट में पल रहा है उसका अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, वो बच्चा अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। तो इन उपायों को मामूली ना समझकर इग्नोर ना करें और अपनी प्रेगनेंसी में जरूर फॉलो करें अगर आप हेल्दी और सेफ प्रेगनेंसी चाहती हैं। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।